धूल खा रही है। वेरी टेस्टी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। यह मेरा पहला ब्लॉग है और आज मैं आ गया हूँ दिलसाद गार्डन में और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन के पीछे हूँ मैं इस वक्त और आप देख पा रहे हैं ये हुंडई का सर्विस सेंटर है गाड़ियों का और ये मेरे इधर राइट साइड में पार्किंग है पीछे की साइड। ये दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है, यहाँ पर 2400 घंटे पार्किंग हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, ये गेट नंबर 2 से है, ये मेन रोड है। यहाँ पर ऊपर पुल जा रहा है, कहाँ के लिए जा रहा है ये नहीं पता। और ये रहा मेट्रो स्टेशन दिलसाद गार्डन का और ये रही बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। ये देखिए दोस्तों पार्किंग के लिए, यहाँ पर 24 घंटे के लिए पार्किंग होती है। तो फिर यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ कैसे खड़ी है, धूल खा रही है, वो बंदों ने खड़ी करके छोड़ दिया है। और ये रहा आगे का फ्रंट से महिंद्रा का शोरूम। ये देखिए बाइक स्कूटी वगैरह के लिए भी पार्किंग है यहाँ पर 24 घंटे। ये आ गया बस स्टैंड, ये दिलसाद गार्डन का बस स्टैंड लगता है शायद। और ये रहा पिज्जा हट यहाँ पर, ये देखो दोस्तों ये दिलसाद मेट्रो स्टेशन के इधर है, नीचे ही पिज्जा हट बना रखा है। तो दोस्तों जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से निकलेंगे आपके राइट साइड में पड़ जाएगा गेट नंबर 1, लेफ्ट साइड में पड़ जाएगा गेट नंबर 2 जो कि मेन रोड से ही चलना पड़ता है जिसके लिए। और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन साइकिल भी है जो ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। ये देखिए मेरे फ्रंट में रिक्शा वाले मिल जाएंगे आपको कहीं भी आसपास जाना हो तो, ये 10-20 रुपये में आपको सवारी छोड़ देगी। ये देखो सामने मोमोज वाला भी है, खाने पीने के लिए भी सुविधा है पास में ही मेट्रो से निकलते ही। और ये राइट साइड में मैं दिखाता हूँ आपको, और दोस्तों देख पा रहे हैं आप बर्गर किंग भी है इधर और ये रहा डोमिनोज मैकडोनल्ड्स, तो आपको जो भी पसंद हो आप खा सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी खाने के लिए यहाँ पर। दोस्तों जो ये गेट नंबर 1 है दिलसाद गार्डन की, 2 नंबर गेट से निकलते ही ये सीमापुरी जाने के लिए रास्ता है अंडरपास, यहाँ से गेट नंबर 1 से आप सीमापुरी न्यू सीमापुरी के लिए जा सकते हो। और इस तरफ पड़ता है दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, इधर डोमिनोज भी है, इधर ये गेट किस चीज का है शायद पार्किंग का होगा पर ये खोल नहीं रखा अभी। ये ऐसा नजारा है यहाँ पर दोस्तों देखिए। और आज से मैं ब्लॉग आपके लिए ट्रैवलिंग ब्लॉग्स लाता रहूंगा बहुत सारे, जल्दी से जल्दी मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स लाता रहूंगा आपके लिए। और ये बंदर आ चुके हैं यहाँ पर, कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं इनके। और ये आंटी पीछे भागी बच्चों के, बच्चे शैतानी करते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये रहे दोस्तों 25 रुपए के कॉर्न, वेरी टेस्टी इसमें। तो गाइस राम राम सबने, नमस्ते सबने। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स लाता रहूँगा, जो घूमने फिरने के ब्लॉग्स होया करें ना वो सब लाता रहूँगा। तो दोस्तों प्यार बनाए रखना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहना, मैं आप सबके लिए नए नए ब्लॉग्स लेकर आता रहूँगा, मजा आ जाएगा आपको देख के मेरे ब्लॉग्स। दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मेरा न्यू चैनल है, पहली वीडियो है, इसलिए मैं ना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को मैं अभी रात का नज़ारा दिखा देता हूँ मेट्रो स्टेशन का। ये देखिए दोस्तों रात का नज़ारा है दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे का, ये लेफ्ट और ये बस स्टैंड है दिलसाद गार्डन के बिल्कुल बगल में ही। और ये इधर से राइट साइड में यहाँ से निकलने का रास्ता है, ये यहाँ से निकला था मैं अभी। और देखते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है रात के समय, ये रहा
उधर दिखाऊंगा अभी। ये देखिए रात का नजारा कैसा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। यो देखो भाई गरीबी, गवर्नमेंट क्या है करे वैसे तो कि गरीबी हटा देंगे। यहाँ बंदे कैसे इस एज में, यो बालक है और क्या काम कर रहा है इसे पता नहीं एजुकेशन। ये देखो ये छोटा सा बालक ये कैसे घूम रहा है, ये देख रहे हो ना आप, ये छोटा सा बालक कैसे घूम रहा है यहाँ पर। और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत कुछ कर दिया हमारे देश में, तो इस गवर्नमेंट के लिए अभी ये देखिए छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इतना ठंडा मौसम हो रहा है और ये बच्चे